हेलो गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BTS रहीमपुर में। आशा करता हूँ रूल्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम देखते हैं कि भाई नैरेशन में जो रूल्स हैं बता दिए किस प्रकार से चेंज होंगे, किस क्या जो है रूल वो किस में चेंज होगा। अब एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं। पहला रूल था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज की जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म चेंज करते थे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके साथ डिड भी बताया था मैंने, डिड प्लस वी वन है तो वो भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू डज है उसे रिमूव कर देते हैं, डू डज को रिमूव कर देते हैं। डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में हम चेंज कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, comma, inverted comma, I play cricket. I play cricket. तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहां तो वही सिंपल रूल है, said to को told में बदलो और me की जगह me लिखो, comma की जगह that का इस्तेमाल करो। आई कौन सा पर्सन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पर्सन चेंज कैसे करना है। अब देखिए दोबारा बताता हूं, आई फर्स्ट पर्सन है, लिखिए इसे आई माई मी, आई का पूरा परिवार लिख दिया हमने। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही वाली लाइन लिख दीजिए, ही हिज हिम। तो आई किसके साथ है, ही के साथ, क्या क्या किस में चेंज हो जाएगा, आई ही में ही। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम चेंज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया। अभी जो दूसरा रूल हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, देखिए इसे ले लेते हैं एग्जांपल हम। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही प्लेड क्रिकेट, चलो इसीलिए वेरी वेल, ही प्लेड वेरी वेल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए ही सेड टू को करते हैं टोल्ड में चेंज, सेड टू को टोल्ड में किया, ही टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट का इस्तेमाल हमने किया, और ही जो है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन मैंने क्या बताया था, ऐसे लिख के देख लेते हैं एस ओन वन टू थ्री, थर्ड पर्सन नो चेंज था, तो ये हमने चेंज नहीं करना है, ही जगह ही आएगा। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ही हैड प्लेड वेरी वेल। अब यहाँ कुछ कंफ्यूजन आती है बच्चों को, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म भी प्लेड ही है और थर्ड भी प्लेड ही है, तो कैसे पता चला हुए ये भाई वर्ब की सेकंड है या थर्ड फॉर्म है। तो इसमें यदि एक जैसी अगर कोई फॉर्म है और उसमें यदि फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सिंगल वर्ब है तो वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। थैंक यू।